दोस्तों आज हम आपके सामने लाए हैं जियो का 220 मॉडल। इसमें IMEI नहीं आ रहा है। चलिए आपको चेक करके दिखा देते हैं एक बार। स्टार है 06 स्टार हैज। देखिए यहाँ पे IMEI 0 शो कर रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे रिपेयर करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए जियो का 220 मॉडल है। इसके लिए अपने कंप्यूटर पे जाना है और जियो 220 की फाइल को डाउनलोड कर लेना है गूगल पर से। ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट करना है। मेरे पास ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करी कराई रखी है और आप सब फाइलों को एक्सट्रैक्ट कर लेना। ठीक है, उसके बाद आप अपना टूल खोलना, क्यू फाइल टूल। ठीक है, क्यू फाइल। ठीक, ओके, देखिए आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है ब्राउज और जहाँ पे अपनी फाइल वहाँ पे जाके फाइल को ओपन करना और प्रोग्राम को सिलेक्ट करना। ठीक है, उसके बाद लोड कॉन्टैक्ट पर जाके वहीं फिर से जाना फाइल पे, तो प्रोग्राम और पैच फाइल दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए फाइल सिलेक्ट हो चुकी है अपनी। अब मोबाइल को क्वालकॉम पोर्ट बनाए ऐसा कनेक्ट करना है उसको। ठीक है, कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले अपन डिवाइस मैनेजर खोल लेते हैं ताकि अपन को पता चलता रहे। देखिए मैंने अपना फ़ोन कनेक्ट कर लिया। स्टार बटन को दबा के केबल को इंसर्ट कर देना, इससे क्वालकॉम पोर्ट बन जाएगा आपके कंप्यूटर में। ठीक है, और सिंपल सा डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, 4 से 5 मिनट। तो मैं वीडियो को आगे बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, कट कर दिया मतलब। देखिए अपनी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। फ्लैश है, फ्लैश करना ज़रूरी है। सबसे पहले मोबाइल को फ्लैश करें, उसके बाद ही इस पर IMEI रीड करेंगे अपन। ठीक है, टूल खोल लेते हैं अपन। प्लस होने के बाद IMEI को अपन मोबाइल के अंदर डालना है। नोट पैड में जाके IMEI को लिख लिया है मैंने, आप भी लिख लीजिए। मोबाइल के पीछे लिखा होता है तो कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर IMEI फर्स्ट और सेकंड दोनों को पेस्ट कर लेंगे। कॉम सेलेक्ट तभी करना है जब डायग्नोस्टिक पोर्ट बनाएगा ना, वहाँ पर लिख के आता है कॉम पोर्ट। जितना भी आएगा उसको लिख देना है। वीडियो लंबी ना हो इस वजह से वीडियो को कट कर दिया थोड़ा सा। चल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा। अभी आपको दिखाएंगे दोस्तों फ्लैश होने के बाद IMEI मॉल के अंदर कैसे डालेंगे। ठीक है, और जो भी भाई हमारे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मैंने मोबाइल से बनाई हुई वीडियो तो इस वजह से थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी समझ में आ रहा है। ठीक है, यदि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, देखिए डाउनलोड सक्सेस हो चुका है। ठीक है, अब मोबाइल ऑन होता तो ठीक है, नहीं तो इसको केबल निकाल के अपन इसको ऑन करेंगे। मोबाइल को करना है ऑन, केबल को लगी रहने देना है।
ऑन करने के बाद देखिएगा यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाकर डायग्नोस पोर्ट बन चुका है, अभी नहीं बना है, रुकिएगा वेट करेंगे तब तक नहीं बना रहता। देखिए वेलकम ESP डायग्नोस्ट कॉम 24 दिखा रहा है, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अब मेरे पेट्रोल के चलते हैं और 24 लिख रहे हैं और राइट टाइम में देखिए डन लिख के आ गया, अपना ग्रीन हो गया, इसका मतलब आई में चढ़ चुका। फिर जाएंगे टूल्स पे, ब्राउज, यहाँ पे QCN फाइल को सिलेक्ट करना, उसी फाइल के अंदर है QCN फाइल, ठीक है। ये देखिए QCN फाइल और रीस्टोर QCN पे क्लिक कर देना है सिंपल। ये देखिए QCN कंप्लीट होने वाला है, ये देखिए रिस्टोर सक्सेस हो गया, ठीक है। अब मोबाइल को ऑफ करके ऑन करेंगे, ये देखिए मैंने वीडियो कट कर दिया, थोड़ा सा ऑन कर दिया मोबाइल को, देखिए अपने नेटवर्क भी आ चुके हैं, जियो 4G लिखा दिखाई दे रहा है। अब आपको IMEI भी चेक करा देते हैं, इसका है 06H। ये देखिए हमारा IMEI आ चुका है, ठीक है दोस्तों। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है।